रानी आपा कुछ हेल्प कर रही हैं या एक किसी के दूल्हा, मतलब हमारे दूल्हा भाई होंगे, किसी के हस्बैंड हैं जी, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? हमने आपने तो छुपा दी उनकी टमी टमी की प्रॉब्लम है भाई, सबको होती है, एक उनको टमी की प्रॉब्लम है जी, इनके बालों की प्रॉब्लम है जी, स्किन की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो हस्बैंड्स को नहीं होती, सब जी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये जो मेरे भाई हैं मेरे सामने हैं, हाँ, इनकी टमी बढ़ गई है, और टमी हालांकि इनकी इतनी एज नहीं है, वजन बढ़ जाने की वजह से आप ये देखें कि इनके बाल वक्त से पहले सफेद होना चाहिए। आपका माइक गिर गया तो हम इनको कॉर्डलेस माइक दे देते हैं, कोई जरा इनायत फरमाए। मैं बता देती हूँ रानी आपा कह रही नहीं है तो, हाँ माइक तो है मेरे पास, आवाज आ रही है आपको? आ गए जी जनाब, गुड है। ये जो इनका नाम अली है और इनका वजन बढ़ने की वजह से आप देखें कि इनके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए हैं, और ये वजन बढ़ने की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और ये जो गंजापन इनके हो गया है, ये तमाम चीज इनकी स्किन देखें, टू टोन स्किन हो गई है, यकीनन इनका रंग पहले बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा धूप में सफर करने की वजह से सफर होता है ना जी। अच्छा, एक एक करके मुझे बताएं अब आप किस चीज, सबसे पहले हम जिसकी वजह से इनके साथ सब कुछ हो रहा है है वजन, हाँ। सबसे पहले हम बताते हैं इनको वजन कम करने के लिए, और बहुत ही आसान और सादा सा इलाज, मेरी बेटी मेरी बहन जो भी घर में देख रही होंगी वो जरूर अली के साथ ऐसा करेंगी। अच्छा, टमी के लिए बता जी, टमी के लिए सबसे पहले कि कैसे कम होगी, सुबह जिस वक्त ये ऑफिस जाते हैं उस वक्त ये बंद गोभी, हाँ। मैंने इसमें से एक बंद गोभी लेकर और उसको यहाँ पर बॉइल कर लिया है, उसके अंदर तकरीबन 15 से 20 मैंने डाले हैं कड़ी पत्ते। अच्छा। और ये बन गया है, एक गिलास पानी में मैंने आधा बंद गोभी को बॉईल किया है, हाँ। और तकरीबन आधी गट्ठी मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, ठीक है। ये बॉईल करने का मकसद ये है कि ये एक सूप बन गया है, हाँ। और ऑफिस जाने से पहले सुबह 9-10 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ते के बाद ये लेना है इनको, हाँ, हाँ। जी, उसके बाद ये होगा कि इनको ना सारे दिन भूख महसूस नहीं होगी, अच्छा, और इनको वीकनेस नहीं होगी, और सिलेनियम होने की वजह से गैस ना हो, बस ये देख लो ऑफिस में बड़ा मसला हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी है नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, और इसमें नमक हसबे जायका इसके टेस्ट को बेहतर, सॉस डाल लेना इसमें भी खाने जो दिल चाहता है डालिए, बिल्कुल, देखिए इसमें टमाटर डाल के भी बना, डेली पीना इनको दिन में दो बार, एक बार सुबह नाश्ते के बाद ऑफिस जाने से पहले, और एक बार शाम में खाने से पहले रात में, यानी 6-7 बजे जब उसके बाद, ये सूप आप उनकी खिजा में रख दें जी, और उससे क्या होगा कि इनको जो खाने की टेबल पर बैठेंगे कम अज कम खाना खाएंगे, इनका पेट भरा रहेगा, और सिलेनियम की वजह से इनका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, और ये अपनी एक्टिविटीज बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे, मतलब कमजोरी भी नहीं फील होगी, कमजोरी नहीं फील होगी, और वक्त के साथ साथ मुसलसल इस्तेमाल करने से, बंद गोभी ना जिसका कोल्सलो बनता है, जी 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 ठीक जी, जी, है। और ये एक बहुत ही लजीज सूप होता है, इसको आप पिए और नीम गरम पीजिए, और जितना गरम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में दो बार करना है ग्रेजुअली। अच्छा, इनके इनके मुझे जल्दी है, सॉरी जी जी जी, बात इसलिए काट रही हूँ, हाँ? इनके बालों के लिए कौन बताए जी? बालों के लिए भी मैं बता दें, आप बता, नहीं, जी, जी, कोई और बता देना, मतलब आप बताए ना उनको, हाँ, फ्लेक्सी दिया है हमने, पानी में इसको पका लेंगे, एक हाँ। एक बोल मैंने इसमें फ्लेक्सी शामिल किया, छोटा फ्लेक्सी, जिसे आप उर्दू में कहते हैं अलसी, अलसी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जेल बन गया, देखें उसमें फिर हम शामिल करेंगे। अच्छा, आपने एक मिनट दिखाएं जरा, हाँ। प्लीज कैमरामैन उधर जाइए, ये देखें जेल बन गया, मैंने इसे तकरीबन अभी 15 मिनट से पका, अलसी के बीज, अलसी के बीज, हाँ, जेल बनना चाहिए, जेल जब थिक हो जाता है, ये देखें इसकी, ये 15 मिनट पकाने से अलसी के बीज पानी, ये चिपचिपा हटा रही है, ठीक है, लेस आएगी, लेस आ जाएगी। अब ये जो है हमने 3 टुकड़े अदरक के शामिल किए, और प्याज आपने शामिल करनी है छिलके समेत, तो प्याज को थोड़ा सा आपने वॉश कर लेना है ऊपर से, ताकि छिलकों के ऊपर कोई मिट्टी वगैरह, आपने एक एक परत खोल के डाल देना है, ठीक है। तो ये जो इनकी प्री मैच्योर व्हाइटनिंग है और आगे से बाल जा रहे हैं, तो इसमें बायोटिन कॉन्टेंट इसका इसी में इंटैक्ट रह जाता है, ओके। तो इसमें स्मेल वगैरह तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका, ये जो आप इसमें पकाएंगी 15 मिनट, ये सब चीजें, इसका जो पानी होगा, हमने 15 मिनट नहीं पकाना निदा, अच्छा, हमने सिर्फ इसको जो है वो 5 मिनट के लिए गर्म करना है, हमने प्याज को और अदरक को पकाना नहीं है, अच्छा, बस इसमें छोड़ अच्छा, दिया आपने पहले अलसी के बीज डाल के 15 मिनट पका लिए, लेस निकाल लिया हमने उसका, ओके, फिर उसी में उसी में हमने आधी जो है प्याज शामिल करी और 3 टुकड़े 1-1 इंच के अदरक के शामिल, डन हो गया बस। और फिर जब ये हो जाए 5 मिनट ये इस तरह पक जाएगा, ना प्याज का रंग चेंज होगा ना कुछ, सिर्फ हमें अंदर से जो झिल्ली है उसका कॉन्टेंट इसमें निकालना है, जिसको बायोटिन कहते हैं, ओके, ठीक है। फिर इसको हमने इस तरह छान लेना, ये मैं बना चुकी हूँ, अच्छा। ये हमने छान लिया, ये छान के आपने एक सिरप सा निकाल लिया, बिल्कुल। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी जेल जैसी, ये सिरम बन गया,
अब ये जब आगे लगाएंगे तो वो जो आगे लगाएं या यहाँ आगे से लेकर पीछे तक ये पूरा मेल पैटर्न बाल्डनेस यहाँ से शुरू होती है और ये क्राउन नहीं ये मेल पैटर्न बाल्डनेस ये होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और क्राउन एरिया से होती है ये क्राउन एरिया तो आप आगे से लेकर पीछे तक लगा सकते हैं जड़ों के अंदर बिल्कुल और इससे जो है वो प्रीमैच्योर व्हाइटनिंग भी सही हो जाएगी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और खुश्की का मसला मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत बहुत अच्छी चीज है अलसी के बीज को इन्होंने पानी में 15 मिनट पकाया उसके बाद उसके अंदर प्याज छिलके समेत डाली अदरक उसके अंदर डाली 5 मिनट पकाने के बाद उसके अंदर से मतलब ये सब छान लिया और एक जेल नुमा चीज आपके हाथ में आ गई वो जेल नुमा चीज जहाँ जहाँ गंज पने या पूरे सर पे ही लगा ले मैं बिल्कुल बिल्कुल चाहे औरत हो चाहे मर्द बिल्कुल बिल्कुल दोनों के लिए और best. इसको लगाना सिर्फ 2 आवर्स के लिए अच्छा बस आप ऑफिस से आ रहे हैं एग्जैक्टली 6-7 बजे भी अगर कोई पहुंच रहा है 2 घंटे के लिए लगाइए रात में 9 बजे 10 बजे आप वॉश करके अपना अच्छा अगर रात में लगा के सो जाए तो बिल्कुल लगा के तो खराबी तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरनाइट तेल लगाते बहुत अच्छा इफेक्ट आता है लेकिन मैं कहती हूँ ओवरनाइट आप कभी भी तेल और सिरम जो है गर्मियों में ना लगाएं जब 40-45 डिग्री हो क्योंकि फिर वो पसीने में कोई ऑयल वाली चीज नहीं है ये लगा सकते हैं लेकिन गर्मियों में जब 45 डिग्री हो ना उस वक्त नहीं इसलिए कि लाइट नहीं होती फैन चल नहीं रहा होता पसीना जब निकलता है तो फिर वो कॉन्टेंट मिक्स होकर आपके क्लॉगिंग ऑफ पोर्स कराते हैं तो बजाय आपको फायदा देने की चीज आपको नुकसान दे रही है ऑल बार गिरने लग जाते ठीक है ये दूल्हा भाई का हमने तमी का देख लिया बालों का देख लिया सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास